गाइज, मैंने इससे पहले और भी दो वीडियोस अपलोड किए हैं जिस पे मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि प्लास्टिक की जो वेस्ट बॉटल आती है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल होती है या मिनरल वाटर आप पीते हो वो जो बॉटल होती है, उसके साथ आप फेक नेल्स कैसे बना सकते हो घर पे। उसके बाद मैंने एक वीडियो फिर से अपलोड की थी क्योंकि उस वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया था और मुझसे कहा था कि इससे भी अगर कोई इजी तरीका है तो आप वैसा वीडियो लेकर आएं आर्टिफिशियल नेल्स बनाने का, क्योंकि मेरे नेल्स छोटी बच्चियां बहुत ज़्यादा देखती हैं तो बॉटल जो होती है थोड़ी हार्ड होती है तो कट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, उनके हाथ वगैरह कट सकते हैं। तो इसीलिए और इजी तरीका लाने के लिए कहा, तो मैंने स्ट्रॉ के साथ बनाना बताया था प्लास्टिक के नेल्स, जो स्ट्रॉ आते हैं जिसके साथ हम सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उस स्ट्रॉ के साथ मैंने किस तरह से आप आर्टिफिशियल नेल्स बना सकते हो उसका एक वीडियो अपलोड किया था। उसे भी आप सबने बहुत प्यार दिया और अब दोस्तों फिर से यही रिक्वेस्ट आ रही है कि आप और कोई तरीका है तो वो भी हमें बताएं। तो अब नेक्स्ट तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ तो वो इस तरीके का, जो प्लास्टिक का ग्लास आता है, ये मैंने जो डोमिनोज से जो मूज केक वगैरह, हम आजकल सभी पिज्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं, मूज केक वगैरह घर पे ऑर्डर करते हैं, तो वो जो जिसपे वो केक आया था ना, तो वो ग्लास मैंने रख लिया था ताकि ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि हार्ड है। और आप उस तरह का ग्लास यूज़ करते हो जो प्लास्टिक का जो ग्लास आता है ना, जिसपे आप पानी पी करके या कोल्ड ड्रिंक पी करके जो आप फेंक देते हो, उस ग्लास के साथ बना सकते हो। तो वो मेरे पास नहीं था, ये वाला मेरे पास था, वो सेम ही है, वो जैसा मटेरियल होता है ना सेम यही वाला मटेरियल होता है, हल्का वाला, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल नरम वाला है ये भी। तो इसके साथ मैं बनाना बता रही हूँ, ये प्लास्टिक के ग्लास की तरह ही है। इसके साथ आप किस तरह से आर्टिफिशियल नेल्स बना सकते हो घर पे बहुत इजीली, बहुत ही कम समय में, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ग्लास का ये वाला जो प्लेन वाला हिस्सा ना, ये लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये वाला आप ले सकते हो, मिडिल से क्लीन वाला हिस्सा है जब वो ले सकते हो, या फिर ये जो पार्ट ना बिल्कुल साफ है ये वाला आप ले सकते हो, ठीक है ना। इसे कट करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से पहले हम बना लेते हैं होल, और उसके बाद ये आसानी से कट हो जाता है, बहुत ईजिली कट हो जाता है। छोटी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो को पसंद करती हैं और मुझे डर लगता है कि वो मेरे वीडियो देख करके इस तरह से आर्टिफिशियल नेल्स बना रही है तो कहीं उनकी उंगली ना कट हो जाए, तो इसीलिए मैं बहुत इजी तरीका ढूंढ रही थी कि कैसे मैं उन्हें बताऊं और भी इजी तरीका जिससे कि वो आसानी से बना सके प्लास्टिक ग्लास से। तो ये देखिए बहुत ही हल्का, देखिए बिल्कुल हल्का सा है ये, बिल्कुल मुड़ जाने वाला। अब ये वाला जो है ना, इसे भी हम काट करके निकाल देते हैं। फेक नेल्स बनाने के ऊपर ये मेरा तीसरा वीडियो है, इससे पहले मैंने बताया था कि किस तरह से आप प्लास्टिक की बॉटल के साथ और स्ट्रॉ के साथ आर्टिफिशियल नेल्स बना सकते हो। तीनों वीडियो में से आपको कौन सा तरीका सबसे इजी लगा मुझे ज़रूर बताएं, पिछले दो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने दो रबर बैंड ले ली है और अब इसे हमें रोल करना है, तो बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसे हम बीच से कट कर लेते हैं, दो पार्ट में कट। चलिए अब हम इसका एक, आप ऐसे बनाओगे तो ऐसे ठीक है, या फिर पेन के साइड में आप रोल करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा वेट। तो ये अब देखिए मैं ऐसे ले लेती हूँ ये पेंसिल, इसके ऊपर आप इसे रोल कर लें अच्छी तरह से, पेंसिल में इसे इस तरह से रोल कर लें और उसके बाद इसमें रबर बैंड लगा लें। तो जो दोनों ही पीसेस रखे हुए थे मैंने, दोनों को ही इस तरह से मैंने रोल बना लिया, रबर बैंड लगा लिया, और ये देखिए यहाँ पर दोनों रोल बन करके रेडी हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सबके मन में फेक नेल्स बनाते टाइम, वो ये कि कितना गर्म होना चाहिए पानी जब हम ये जो हमने रोल बनाकर रखे वो उसमें डालेंगे, क्योंकि हमें गर्म पानी में इस तरह से प्लास्टिक के ग्लास को रोल बना करके रखना है ताकि ये इसी तरह मुड़ा हुआ रह सके और नेल्स की शेप अच्छी बन सके। तो कितना गर्म पानी होना चाहिए, तो पानी उतना गर्म होना चाहिए जिसमें हम 2 या 3 सेकेंड से ज़्यादा उंगली ना रख पाए, उतना गर्म होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, उससे कम गर्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म अगर आप लोगे पानी तो ये जो बॉटल है वो पूरी तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, पूरी इधर उधर मुड़ जाएगी, अलग शेप हो जाएगी, पिघल जाएगी पूरी तरह से ये प्लास्टिक का जो ग्लास है। और अगर कम गर्म होगा तो ये अच्छे से रोल नहीं हो पाएगी। तो गर्म उतना ही होना चाहिए जितने गर्म पानी में हम 2 से 3 सेकेंड ही उंगली को रख पाएं, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर उसे 20 से 25 मिनट मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स आप उसे इस तरह से गर्म पानी में रहने दें, उसके बाद हम इस रबर बैंड को खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमारी नेल्स की शेप लेने के लिए रेडी है या नहीं। तो आधा घंटा बीत चुका है, अब हम देखते हैं कि ये, नीचे रख लेती हूँ वरना कॉपी भीग जाएगी, तो अब देखते हैं कि ये रोल हो चुका है या नहीं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये रोल बन चुका है, तो ये देखिए ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना है, ये देखिए जो एंड वाला पोर्शन है ना इसी का देखते हुए आप इसे
कट कर लो इस तरह से। बैकग्राउंड में फ्लूट की आवाज़ आ रही है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए सब कट हो चुका, एक ही में से 5 पीस निकल गए हैं। ये एक हैंड के लिए हो गया और ये दूसरे हाथ के लिए हो गया। प्लास्टिक के ग्लास से आर्टिफिशियल नेल्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम खर्च में ये बन के कम्प्लीट हो जाता है। कोई भी है, जैसे कि आपने देखा है, इसमें कोई खास पैसे वेस्टेज है नहीं। आपके पास प्लास्टिक की ग्लास मैक्सिमम सभी के पास होती है, इस तरह की प्लास्टिक की ग्लासेस पड़ी होती हैं। बच्चों की छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह करनी होती है तो इस तरह के ग्लासेस घर में आए रहते हैं, तो आपको स्पेशली पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है आपको नेल्स को अच्छी तरह से शेप देना, तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप अपने नेल्स को कितनी अच्छी तरह से शेप दे सकते हो। जितनी अच्छी तरह से आप अपने नेल्स को शेप दोगे उतने ही अच्छे आपके नेल्स बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने अपनी 5 उंगलियों की नेल्स को बहुत ही अच्छी तरह से शेप दे दी है, तो अब इन्हें चिपकाते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में 5 चीज़ों के साथ नेल्स को चिपकाना आपको बताया था। आपके हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये वाला ग्लू है तो मैं इसके साथ चिपका लूँ, वो ग्लू नहीं है तो मैं क्या इसके साथ चिपका लूँ। तो उसमें मैंने 5 ग्लू के साथ नेल्स चिपकाना बताया था। फिर भी एक सवाल आप लोगों के मन में रह गया था कि अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट नेल पेंट नहीं है तो क्या हम कलर्ड नेल पेंट साथ इन्हें चिपका सकते हैं। तो इसीलिए मैंने छोटी उंगली में कलर्ड नेल पेंट लगाया है और उसके बाद वाली उंगली में मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर में मैंने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट के साथ नेल को चिपकाया है। तो आप देख सकते हैं दोनों चिपक गए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से मजबूती से चिपके हुए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ तो बहुत ही अच्छी तरह से ये फिक्स हो गए हैं। और बाकी के नेल्स में मैं लगा रही हूँ डेंड्राइट। जब भी आप कोई भी चीज़ लगाओ अपने नेल्स में आर्टिफिशियल नेल्स चिपकाने के लिए तो उसे 50-60% सूखने दें, उसके बाद नेल्स को चिपकाएं। तो इस तरह से पूरे नेल्स पे आर्टिफिशियल नेल्स को मैंने चिपका लिया। गाइस ग्लास वाला प्लास्टिक बहुत ही पतला होता है, इसीलिए ये कलर्ड नेल पेंट के साथ इजीली चिपक जाता है, पर बॉटल वाला प्लास्टिक काफी मोटा होने की वजह से उसके साथ बनाए हुआ आर्टिफिशियल नेल कलर्ड नेल पेंट के साथ नहीं चिपक पाता है। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से शेप में हैं, काफ़ी मजबूती से ये चिपक भी गए हैं। अब आप इनके ऊपर अपनी मनपसंद नेल पेंट लगा सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद हो। आप थोड़ा सा डबल शेड लगा लो इसमें ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसमें बहुत ही आसानी से नेल पेंट लग जाती है और नहीं उतरती है, अपने आप से नहीं उतरती है। नेल पेंट आप लगा सकते हो और इसे रिमूव भी कर सकते हो नेल पेंट को, और इसे रीयूज़ भी कर सकते हो इन नेल्स को आप। मैंने इस बार इनके ऊपर ब्लैक नेल पेंट लगाया है। अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने अलग अलग नेल पेंट्स लगाए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। इस बार मुझे इच्छा हुई कि मैं ब्लैक नेल पेंट लगाऊं। आप देख सकते हो कि कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल भी कोई नहीं पकड़ पाएगा कि ये आपके आर्टिफिशियल नेल्स हैं, ये नकली नाखून है, कोई नहीं पकड़ पाएगा। बिल्कुल असली लग रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। जिस तरह से इन्हें बनाना और लगाना बहुत ही ईजी है, उसी तरह से इन्हें रिमूव करना भी बहुत ईजी है। इस तरह से देखिए ऊपर के साइड से आप धीरे से इसे रिमूव कर सकते हैं, ये अपने आप से रिमूव नहीं होते। आप इस तरह से थोड़ी सी कोशिश करके रिमूव करें, बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे और बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है रिमूव करते वक्त। और सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको मजबूती टेस्ट तो दिखाया ही नहीं, तो देखिए ये मजबूत कितने हैं। मैंने इसके ऊपर पेंसिल रखी है, पेन रख के भी आप देख सकते हो ये बहुत ही मजबूत है और अपने आप से बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। पानी में भी आप अपना हाथ भिगो सकते हो, नहीं रिमूव होंगे अपने आप से। जब तक आप इसे इस तरह से खींच करके नहीं उतारोगे ये रिमूव नहीं होंगे। और इसी तरह से बहुत ईजिली आप प्लास्टिक के ग्लास के साथ आर्टिफिशियल नेल्स बना सकते हो। और अगर नेल पेंट आप रिमूव नहीं करना चाहते हो तो ये नेल पेंट यूँ ही रहने दें। जब आप ब्लैक ड्रेस पहनोगे तो ये नेल यूज़ कर ले, और जब आप दूसरी ड्रेस पहनोगे तो उसके लिए और नेल्स बना करके रख सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो।